तो इस एपिसोड की शुरुआत ही है एंडलेस सी से। हमने बहुत पहले देखा था जो अपनी होली मास्टर थी ना हमारे गांव चे को उस एंडलेस सी के पास लेके गई थी, और अभी के लिए जो बुड्ढा है और प्लस अपनी डोंग के जो डिसाइपल यहां पर है ना वो दोनों यहां पर आए थे, और पहले भी है ना कई बार इसको लेकर आ चुका था। और अभी ये डिसाइपल नोटिस करते जो बुड्ढे ना यार आज बुड्ढे बड़े गुस्से में लगे, छोटी सी छोटी बात पर ना मेरे पे बहुत ही गुस्सा यहां पे कर रहे, इसलिए भी कुछ भी हो जाए मुझे और इनको गुस्सा यहां पे नहीं दिलाना। बुड्ढा यहां पे कहता सुनो मेरी बात यार, तुम्हें ना आगे चल के जगह को याद रखना, कुछ भी हो जाए मरते दम तक भी इस जगह के बारे में भूलना मत। डिसाइपल भी कहता या बुड्ढे जी मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। मनी मन सोचते ये कई बार मुझे यहां पे ला चुके हो, जब-जब लाते ना जब-जब यही डायलॉग बोलते भूलना मत भूलना मत भूलना मत, ये जगह भी भूल जाऊंगा, लेकिन इनका डायलॉग इन्होंने इतना बार बोल दिया ना वो मैं बिल्कुल भी भूल यहां पे नहीं सकता। रही बात ये जगह भी नहीं भूलूंगा, मैंने भी अपने माइंड में ना एक दिन बैठा यहां पे लिया है, लेकिन ऐसा है क्या इस जगह पे जो ये ऐसा कहते कि भाई भूलना मत भूलना मत भूलना मत, मुझे आज तक बिल्कुल भी समझ यहां पे नहीं आया। तभी बुड्ढा यहां पे कहता शिट भाई आई बॉल यानी आग के अंदर जो काला कलर रहता ना वो वापस यहां पे हिला। तो जैसे डिसाइपल सुनता ये भी कहता शिट, इन्होंने बोला था चुपचाप खड़े होकर यहां पे देख लेके मैंने अपनी आई बोल यहां पे हिलाई, इस बात के लिए तो नहीं ना बोल रहे, मुझे सीधा सीधा खड़े हो जाना चाहिए वरना ये गुस्सा करेंगे। तो एकदम सीधा ऐसा खड़ा हो जाता है। तो बुड्ढा भी कहता कि अरे यार मैं तेरी आई बोल के बारे में बात नहीं कर रहा था ना लायक, यार आज इधर आ इधर आ मुझे मारने दे मारने दे मारने दे। तो ये भी देखता कि अरे यार ये तो भी मारेंगे, बाजू में जाता सर पे हल्की सी टपली मारता और कहता सुन तेरी जो आंख की बोल है ना आई बोल उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, ये जो समुद्र है ना समुद्र के अंदर जो आई बोल है ना उसके बारे में बात कर रहा था। थोड़ी सहपल भी कंफ्यूज के भाई तो समुद्र है अंदर में आई बोल, यार अंदर कोई मॉन्स्टर है क्या जिसका आई बोल यहाँ पे हिला। जो सुनते बुड्ढा कहता ऐसा ही समझ, अंदर ना आई ऑफ क्योस नाम का कुछ चीज है वो समझे एक बड़ा साख है वो उसने यहाँ पे झपकी यहाँ पे ली थी, और ये एक दो सालों से नहीं हजारों सालों से यहीं पर है और समझो डेंजर की निशानी यहाँ पर है। और मैं बुड्ढा मेरे को काम यहाँ पे मिला इस पर ध्यान देने का, तो जब जब इसकी आंखें फड़कती है फिर जब कोई रिएक्शन होता ना मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, अब मैं बुड्ढा हो चुका हूँ तेरी जिम्मेदारी है ना आगे चल के तेरे कंधों पे आ सकती है। डिसाइपल भी कहता है एक सेकंड, इन शॉर्ट ये जो चीज है ना ये काफी ज्यादा डेंजर यहाँ पर है, जब सच्ची में डेंजर है अब बड़े बड़े लोग मिलके इसको खत्म कहीं को नहीं कर देते। जो सुनते सामने से बुड्ढा कहता है अगर इसको डिस्ट्रॉय करना आसान होता तुझे क्या लगता हम अब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर चुके रहते। एम्पायर क्विंग जो कि भाई अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे जो नोवे लेवल पे थे, उनके अलावा भी ढेर सारे और बंदे थे एंशिएंट टाइम के, वो लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, और अभी के लिए हमारे दुनिया के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भी है ना वो सब आठवें रैंक के, वो लोग कैसे डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर पाएंगे। जो सुनते डिसाइपल कहता आगे चल के इस टाइम पे भी कोई नोवे रैंक का बंदा आ गया तो वो तो शायद यहाँ पे कर सकता है ना। ये भी कहता है कि अब तक के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नोवे रैंक के बंदे थे एम्पायर क्विंग वो भी नहीं कर पाए, तो आगे आएगा या नहीं आएगा उसी बात का कोई गारंटी नहीं है, डिस्ट्रॉय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उस बात का भी कोई गारंटी नहीं है। ये भी कहते कि देखो रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ने के लिए बना था, एक टाइम था जब एम्पायर क्विंग थे कमाल के, हो सकता आगे चल के उनसे भी कमाल का कोई ना कोई आ ही जाए। ये भी कहते हो तेरा भी जो मकसद ना काफी बड़ा यहाँ पे लगता है, तू भी काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, कर भाई मकसद हमेशा बड़ा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मकसद पूरा करते करते कई बार बंदे घमंडी और बेकार बन जाते हैं, तुझे नहीं घमंडी बनना है और नहीं बेकार बनना है समझिए क्या। ये भी कहते या 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 ऑफ कोर्स मैं घमंडी नहीं बनूंगा और नहीं बेकार बनूंगा। सामने से बुड्ढा ये भी कहते तुम्हारा जो लीडर यहाँ पर है गाउचे जिसका नाम है मैंने उसके बारे में सुना भी कुछ ज्यादा ही कमाल का कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिस हिसाब से अपना विकास करे ना हम जैसे जो भी लोग ना हम जैसे लोग को सरप्राइज करके देखना एक दिन हमसे आगे निकल जाएगा। जो सुंदर डिसाइपल भी कहते यस हमारे लीडर है बिना वो यस वो पक्का यहाँ पे करेंगे। ये भी कहते यस मैंने उसके बारे में बहुत ही सुना, प्लस वर्ड मास्टर ने भी उसके बारे में मुझे बहुत यहाँ पे बताया, मैं लिख के बोलता हूँ वो बंदा अपने एक नई राह चुनेगा, जो रहा है ना हम जैसे जो भी बूढ़े लोग हैं ना उनसे लाख गुना ज्यादा उसको यहाँ पे लेके जाएगा। आओ आते अभी अपनी जियांग की ओर, जहाँ पे जियांग ने कह भी दिया था कि आप पागल हो क्या। हाँ तो ये लाइन सुनकर अपनी जो क्वेन थी ना वो हंस देती है, बेसिकली हंसने की कोशिश करने वाली नहीं थी मतलब रोकने की कोशिश करने वाली थी, रोक नहीं पाती और हंसी आ जाती है। तो ये दोनों घूर के देखते तो ये भी अपना मुंह बंद कर लेती है और डर जाती है कि सॉरी सॉरी यार एंड में मैंने ऐसा सुना ना, तो मेरा मुंह से यहाँ पे हंसी निकल गई। मनी मनी यहाँ पे सोचती है कि भाई अंकल गाउचे और आंटी जियांग दोनों कपल्स यहाँ पर है और कपल्स ड्यूओ कल्टीवेशन करते हैं, उनका समझ आता है मेरी होली मास्टर वो शादी नहीं करना चाहती, कपल बनना नहीं चाहती, वो बस यहाँ पे ड्यूओ कल्टीवेशन करना चाहती है, तो भाई उनका रिलेशन को मैं क्या नाम यहाँ पे दूँ। और ऐसी बात डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, मतलब तुम ही बताओ किसी औरत को कह रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारे पति के साथ ड्यूओ कल्टीवेशन करना है तो सामने से पागल ही बोलेगी ना, तो सही से इन्होंने यहाँ पे पागल बोल दिया। लेकिन एक सेकंड मेरी मास्टर बिंदास आंटी जियांग के साथ ऐसी बातचीत की जा रही है, ये अन्य कुछ न कुछ सुन के बाद में दम होगा, कुछ तो मकसद यहाँ पर होगा कि वो मेरे लिए तो नहीं, नहीं 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 यार मेरे लिए कैसे बातचीत कर सकती है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही। हाँ तो खुद ही सोचती है खुद ही एक्सप्रेशन यहाँ पे देती है, जो देखो दोनों भी कंफ्यूज किया भाई यार अब इसको क्या हो गया, ये ऐसा अजीब अजीब सा रिएक्शन कहीं को दे रही है। उसको देना अपनी होली मास्टर जियांग से कहते सुनो मेरी बात, भाई तुमने मुझे क्या बोला मैं पागल हो गई हूँ, मैं बिल्कुल भी पागल यहाँ पे नहीं हुई हूँ, इन शॉर्ट तुम ये कहना चाहते हो मेरी बॉडी में इनर डेमोन आ गया, नहीं जिस टेक्निक की प्रैक्टिस मैं करती हूँ उसके रहते बारे में मेरी बॉडी में बिल्कुल भी इनर डेमोन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो जैसे अपनी जियांग सुनती है और सोचती है यहाँ भी पागल वागल तो यहाँ पे हुई नहीं है,
लेकिन ये ऐसा बातचीत में सत कैसे कर सकती है, ये मेरे बाबू के साथ डुओ कल्टिवेशन करना चाहती है, ये कह रही है वो सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। आई नो मेरे गाउचे बड़े कमाल के, बड़े चैंपियन है, बड़े स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के और कमाल के बनेंगे, लेकिन वो इकलौते नहीं है, दुनिया में और भी बड़े बड़े कमाल कमाल के बंदे यहाँ पर है, ये चाहे तो उनको भी चूज कर सकते हैं। मेरे बाबू जो कि अभी अभी कुछ ही महीनों पहले इतना फेमस होना चालू हुए थे, उनके पीछे ही कई कोई यहाँ पे पड़ी है, कुछ तो गड़बड़े, ये कुछ और ही छुपा रही है जो ये मुझे बताना नहीं चाहती, इसलिए कहती भी सुनिए यार आप कुछ छुपा रही हो ना, हाँ मुझे पूरा विश्वास है आप कुछ छुपा रही हो। हाँ तो होली मास्टर सर सच्ची में कुछ छुपा रही थी, वो बताती नहीं है और शांति से बैठी हुई थी, तो अपनी जियांग भी कहती है कि सुनिए यार लगता है कि आप बातें छुपा रही हो, अगर आपको सब बातें बतानी नहीं थी तो आपको ये टॉपिक यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रही हूँ अपनी सेकुलेशन में और कल यहाँ से निकल जाऊँगी, इतना बोल के वहाँ से चल जाती है। और जैसे वहाँ से जाती है ना क्यूएन भी कहती है कि मास्टर यार आपको सच्ची में शर्म यहाँ पर नहीं आती ऐसी ऐसी बातचीत करने के लिए, और आज ही बुला के ये सब बताना जरूरी था क्या, ये भी कहती यार नहीं तो कल यहाँ पे बताना ही पड़ेगा कि जो गाउच है ना वही सबसे सही कैंडिडेट है मेरे साथ डुओ कल्टिवेशन करने के लिए, तो मैंने आज ही बता दिया। क्वेन सोचती कि भाई मेरी होली मास्टर एकदम पागल ही है, इतनी ऐसी ऐसी बातें ये बिंदास कैसे कर लेती है, ना इनको शर्म आती है ना इनको डर लगता है। जो होली मास्टर ना कहती क्वेन मुझे बताओ यार हमारी दुनिया में जो 9वें रैंक का बंदा था आखिर 9वें रैंक का बंदा कब आया था, ये कहती भाई पैरा क्वीन जो कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे लगभग 10,000 साल हो चुका है, जो सुन दे ये सामने से बताती वही तो भाई 10,000 साल पहले वो यहाँ पे था। तुम ही सोचो भाई अगर गाउचे ने मेरे साथ यहाँ पे डुओ कल्टिवेशन किया, मैं 8वें रैंक यहाँ पर हूँ, तो उसके चांसेस है कि वो 9वें रैंक पे जा सकता है। तो जैसे ये सुनती ये भी कहती हाँ अगर 9वें रैंक पे चले गए ना तो ये दुनिया के इकलौते 9वें रैंक के बंदे यहाँ पे बन जाएंगे। होली मास्टर कहती यार सो तो बन जाएंगे, लेकिन उनके देश में ना मुझे किसी और एक बंदे के बारे में आइडिया लगा है जिसकी भी औकात है जो 9वें रैंक पे जा सकती है। जैसे क्वेन सुनते वो भी चौंक जाती है कि भाई अंकल गाउचे भी उसी एरिया से, एक और बंदा जो 9वें रैंक पे जा सकता है, हीरो जगह खाली जीनियस लोग से भरा पड़ा है कि अब आते भाई गाउचे की ओर, जहाँ पे इसने अच्छे से दोनों के दोनों 100 डोमेन को ये कर लिया था, अपडेट वगैरह जो कुछ था करने को कर चुका था, ये सब करने में ना 60 मिलियन पाउंड यहाँ पे जा चुका था। ये भी देखता है सिस्टम ने भाई 60 मिलियन पाउंड मुझसे ले लिया, सिस्टम में भी यही भी लिख रहा था कि आपने एल्डर जुओ को मारा था, जिसके मारने के बाद ये दोनों का जो मिशन है ना वो 1.4% यहाँ पे पूरा होता है। ये भी देखता है 1.4% छोटा नहीं होता, यानी दुनिया में आगे जो बवाल होने वाले थे ना कहीं ना कहीं इसके चक्कर में ही होने वाले थे, इसके लिए मैंने इसको मारकर मिशन 1.4% यहाँ पे पूरा कर दिया। सामने से वो भी कहता है स्वॉर्ड मास्टर के हेलो तुम जग गाउचे को याद आता शूट यार मैं तो इनके बारे में भूल ही चुका था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म है। क्या लगता है सची में डुओ कल्टिवेशन होगा, नहीं होना चाहिए भाई मेरी ओर से तो ना है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।